हेलो गाइस, मैं हूं अमित। गाइस, आपने क्या कभी सोचा है कि अगर हमारी गाड़ी के अंदर हम रबर का टायर हटा के लोहे का टायर बना दे तो वो किस तरीके से काम करेगा, और साथ ही साथ में भाई ऐसे लोहे का यूज़ करेंगे जो कि सिर्फ स्ट्रक्चर एप्लीकेशन में यूज़ आता है, यानी कि 50 रुपये किलो मिलता है सिंपल भाषा में। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हालांकि वीडियो में मेहनत बहुत होने वाली है, लेकिन आप लोग एक लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, गाड़ी का पहिया बनाने के लिए हम लोग जो है गाड़ी का ये पहिया नहीं निकालेंगे, हमारे पास में एक एक्स्ट्रा जो है रिम पड़ी हुई है जो कि इसी की है, स्टेपनी है, 13 इंचेस का व्हील है, तो इसके ऊपर बनाएंगे और यूज करेंगे इन लोहे के पाइप्स का जो कि 1x2 इंचेस के हैं, 1x2 इंचेस के हैं। क्या करते हैं, इनको काटना पहले तो, और इसके ऊपर वेल्ड करते हैं फिर। तो भाई यहाँ पर हमने 10 इस तरीके के पीसेस काट लिए हैं पाइप के, जो कि भाई 1x2 इंच का, और ये जो पीसेस है यही इस पहिए के स्पोक्स बनेंगे। तो अब इनको करते हैं वेल्ड इस रिम के ऊपर। तो भाई इसके एक तरफ हमने वेल्डिंग कर दी है, अब इसकी मजबूती के लिए जो है यहाँ पर भी वेल्डिंग करनी है पूरा ऊपर बस। तो भाई वेल्डिंग हो गई कंप्लीट, काफी मजबूत हमने इस पे वेल्डिंग करी है। अब है आखिरी स्टेप जो है इस पे पेंट करने का, और हम लोग सोच रहे हैं इस पे येलो कलर का पेंट। तो बॉक्स करते हैं ओपन और इस पे पेंट करना स्टार्ट करते हैं भाई। भाई बहुत देर की मेहनत के बाद में फाइनली जो टायर है वो हमने यहाँ पर तैयार कर लिया, और यार कसम से इसमें बहुत ही ज्यादा वजन है। नॉर्मल टायर के अंदर स्टेपनी में जितना होता है ना, उससे कहीं ज्यादा इसका वेट है। लगभग जो है 7-8 किलो वजन हमने ऐड कर दिया इसमें वेल्डिंग और पाइप लगा करके। तो भाई अब इसको फिट करते हैं गाड़ी के अंदर, और इसको हमने जो है 2 अलग-अलग कलर्स में पेंट किया है। तो भाई यहाँ पर हमने इस टायर को निकाल दिया है, लगाते हैं इसमें हमारा मेटल वाला टायर, और ये जो है एक नॉर्मल टायर की तरह इसमें लग जाएगा। थोड़ा उठवाना इसको। और अब हमें जो है सिर्फ इसके अंदर बोल्ट्स लगाने हैं। तो भाई यहाँ पर हमने टायर को एकदम टाइट इसमें कस दिया है, अब इसका जो जैक है इसको वापस से उतार लेते हैं। तो भाई यहाँ पर है गाड़ी की फाइनल लुक। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो यार, गाड़ी जो है कितनी गजब लग रही है, कितनी अजीबोगरीब लग रही है, और ये सब हुआ है भाई इस पिछले टायर की वजह से। और इसका जो पेंट स्कीम है, जो येलो कलर है, वो यार देखो कितना तगड़ा मैच हो रहा है पूरी गाड़ी के ऊपर। मजा आ गया यार इसमें। तो अब इसको चला करके देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल है ये मेटल टायर इसमें। चलो भाई चलो। अरे यार रेलगाड़ी सी खट 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 चल रही है। ओ यार खट खट कर रही है, लेकिन चल रही है गाड़ी तो एकदम बढ़िया से। भैया यार क्या बात है। और भाई बैक में भी एकदम बढ़िया चल रही है गाड़ी तो। गाड़ी है ये चलती तो नॉर्मल है, लेकिन वो एक टेम्पो नहीं आता खट 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 जो चलता है, उसके जैसी फील आती है। अंदर जो है थोड़ा सा बम्प होता है और अलग ही आवाज आती है, आपको भी सुनी रही होगी। तो भाई आप इसको टेस्ट करते हैं हम थोड़े खराब रास्ते पे। यहाँ पर जो है डामर का रोड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पत्थर कंकर है।
तो भाई ये जो टायर है मिट्टी को जो है उड़ाता हुआ चलता है, आप लोग देखो। एक बार रोकना भाई, रोकना। और भाई लगभग 5-6 किलोमीटर चलने के बाद में आप देखिए कि इसकी हालत क्या हो चुकी है, जो लोहे के पाइप्स हैं वो किस तरीके से बैंड हो गए हैं किनारे से। और ये खासकर हुआ है पक्के रोड के ऊपर या फिर पत्थरों के ऊपर, क्योंकि मिट्टी में तो ज्यादा कुछ होता नहीं है। देखो आप किस तरीके से मुड़ गए हैं। लेकिन भाई साहब वेल्डिंग अभी तक टिकी हुई है, तो इसको थोड़ा सा और चलाते हैं और थोड़ा स्पीड में भी चलाते हैं। करो स्टार्ट। क्या लुक आता है भाई टायर का जब ये चलता है। मिट्टी के लिए तो खासकर एकदम परफेक्ट है, ये गाड़ी फंसने वाली नहीं है, क्योंकि रबर का टायर फंस जाएगा, ये वाला ग्रिप बनाएगा। फिर भी खींच दो एक बार जोर से, देखना कितनी मिट्टी उड़ेगी। थोड़ा तेज चलाना। ओ भाई साहब, अबे इतना तेज नहीं, और रुक जा। अबे इतना भी नहीं। अरे यार मना कर रहा है रुकने से। ओ भाई रुक जा यार। ओ शिट यार। अबे रुक जा मेरे भाई, कहाँ जाके रोक रहा है यार, क्या बात है। मिट्टी कितनी उड़ गई, लेकिन आप लोग देखो। अबे कहाँ रोक रहे हो यार, तुम लोग मरवाओगे। ओ भाई साहब, ये जो गाड़ी का टायर है ये अपने आप में ही बहुत मस्त चलता है, पक्के रोड पर खटखट चलता है, लेकिन ऐसे रोड पर जो थोड़ा सा खराब है, मिट्टी वाला है, उसमें परफेक्ट चलता है, गाड़ी नहीं फंसती है। और अगर आपको मजा आया तो एक लाइक जरूर से कर देना वीडियो के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।